नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्सियम पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर, जो यहां पर दिख रहा हुआ है ना टॉपिक। तो सबसे पहला नंबर में ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं ना, कूलम लॉ वाला जो पूरा का पूरा सेक्शन है, इसका सबसे लास्ट वीडियो है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो सेक्शन है एनसीईआरटी के हिसाब से, उसका सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आगे में बात करेंगे। तो जो इस वीडियो में सीधे जंप मार करके आए हो, डुं डुं डुं, रुक जाओ, पीछे जाके देखो सारा वीडियो, एक से लेकर के आई थिंक 14th नंबर ये वीडियो होगा, चेक कर लेना जो भी आ रहा है। ठीक है, और इसको देखने के पहले है ना, पहले पीछे से सारा कॉन्सेप्ट देख लो। तो एक और चीज हम लोग, हमें ये बोलना था कि जो टेस्ट हुआ है अभी तुम लोग का, थोड़ा अच्छा नहीं गया तुम लोग का। ठीक है, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा एनसीईआरटी हम बार बार कर रहे हैं, एनसीईआरटी एचसी वर्मा कम से कम बनाओ, सारे क्वेश्चन बनाओ। जब हम सारा चीज खत्म कर चुके हैं तो सारा क्वेश्चन बनाओ। बहुत सारे क्वेश्चन हम खुद डील किए हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है इतना में ही, कम से कम 13 लेक्चर में ही बहुत सारे क्वेश्चन हम डील कर चुके हैं। सारे सवाल को बनाओ, और कुछ है नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं बोलना, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, पढ़े हैं ना बाबा, फोर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स लगता है एरिया के ऊपर। सपोज करते हैं प्रेशर क्या होता है, पहले तो यही समझ लेते हैं कि प्रेशर क्या होता है। अगर हम बोल दें ये कोई एरिया है मेरे पास, इस एरिया पर परपेंडिकुलर कोई फोर्स लग रहा है ना, कोई छोटा सा एरिया है, फोर्स कैसा लगना चाहिए? परपेंडिकुलर, इसी को बोलते हैं ना प्रेशर। तो फोर्स अपॉन एरिया इज द प्रेशर। ये क्या होता है, पास्कल में नापते हैं ना इसको, पास्कल। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेशर। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा, आवाज ठीक ठाक आ रहा होगा ना, आज माइक आ गया। चलो ठीक है, देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के ऊपर आज का पहला जो सेक्शन, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। फोकस बना के रखना है, एक एक वर्ड पे। समझ में नहीं आए, मैं बार बार कहता हूं, वीडियो को रिवाइंड करो, फिर समझो, बार बार समझो, और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, तो पहली बात तो समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में एक एक छोटा छोटा चीज को स्टडी करते हैं। सपोज करते मेरे पास एक चार्ज्ड बॉडी है ना, ऐसा कोई चार्ज्ड बॉडी है, और ये चार्ज्ड मेटल है, चार्ज्ड मेटल कंडक्टर है। क्या है बोलो? चार्ज्ड मेटल कंडक्टर है। समझ में आया बात? ये चार्ज्ड है, और लिखा है बहुत बड़ा सा कि ये मेटल है, दिख रहा है यहां पर, ये एक मेटल कंडक्टर है। तो हम समझ चुके हैं, इतना सारा गाना तो बहुत पहले से सीखते आए हैं कि इसके ऊपर में ही चार्ज रहेगा, है ना, चार्ज सिर्फ इसके सरफेस पर ही रहेगा, ये भी हम लोग सीखे हुए ना। और देखो ये इरेगुलर शेप का ये पूरा का पूरा बॉडी है, तो हम ये भी जानते हैं कि जहां पर शार्प एज बनता है वहां पर ज्यादा चार्ज जाते हैं, है ना। यहां पर भी थोड़ा रहेगा चार्ज, यहां पर थोड़ा कम चार्ज रहेगा, अरे बस समझे। इसी तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, क्लियर हो गया बात। तो जहां पर शार्प एज है वहां पर चार्ज बहुत ज्यादा होगा, जो कि हम लोगों ने सीखा था कि सिग्मा जो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, ये ना सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, यानी कि r यानी कि लोकल रेडियस है, ये जितना ज्यादा होगा सिग्मा उतना ही कम होगा। इस पर बहुत पहले से स्टडी कर चुके, हमारा इससे कोई लेना देना अभी है नहीं। ठीक है, हमारा मकसद है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के ऊपर बात करते हैं। अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या होगा, जीरो। कितना अच्छा एनिमेशन से दिखाए थे कि भाई कोई भी चार्ज अंदर में रुक नहीं सकता ना, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर में चार्ज मूव कर सकता है। तो सारा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जब अचीव होगा तो सारे चार्ज सरफेस के ऊपर में आ जाएंगे, कोई भी चार्ज अंदर में होगा नहीं। ठीक है, यहां तक बात। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि चार्ज अगर अंदर में नहीं है, चार्ज सरफेस पर आ चुका है, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये चार्ज बोलेगा इस वाले चार्ज को कि तुम इधर भागो,
ये बोलेगा इसको तुम इधर भागो, ये वाला भी बोलेगा तुम उधर भागो, यानी कि एक एक चार्ज के ऊपर, फिर सुनना मेरी बात को, हर एक चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये भी इसके ऊपर, यानी कि एक किसी भी चार्ज के ऊपर हर एक चार्ज के कारण फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हर एक चार्ज एक दूसरे, सोशल डिस्टेंसिंग वाला कंडीशन, क्या बात है, सोशल डिस्टेंसिंग है ना, कमाल है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग वाला कंडीशन में आ जाएगा और सरफेस में एकदम खिंचाव पैदा होगा, नहीं होगा, सरफेस एकदम लगेगा कि अब ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, अगर ये रिजिड है बॉडी, सब अच्छा रिजिड नहीं है, सपोज करो बलून है ना, बलून है उसमें हम चार्ज कर दिए तो सब का सब प्रेशर लगा रहा है ना, सपोज करो कि इस बलून है, ये देखो स्फेरिकल बलून है, चलो अब ये रेगुलर था ना, अभी हम रेगुलर कर दे रहे हैं, ठीक है, रेगुलर है ये बॉडी, हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज को इंसर्ट कर रहे हैं। एक एक बात को पहले ध्यान समझ लो, बहुत सारे न्यूमेरिकल लेंगे है ना, न्यूमेरिकल का अपना एक अलग टेंशन है, पहले तो ये समझ लो कि हो क्या रहा है यहाँ पर, बाकी फॉर्मूले याद तो रखोगे रखोगे ना जी, चलो ठीक है रखना, नहीं तो बस कष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगा कि हर एक चार्ज, ये प्लस वाला चार्ज ठीक है ना, इसके कारण क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकालता है, सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, आधी बात समझ में। अच्छा, सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम बोल दें नहीं निकाल रहे परपेंडिकुलर, हम बोल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे निकाल रहा है, इस पर भी तो स्टडी हो सकता है ना, हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऐसे निकल रहा है ना, ऐसा परपेंडिकुलर नहीं है, तब क्या होगा, हम ये कह सकते हैं क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ई परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक हो जाएगा ई पैरेलल टू द सरफेस, उस कॉन्सेप्ट पर स्टडी कर ही देते हैं तुरंत। अगर जो पैरेलल होगा तो क्या होगा, ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा क्यू ई पैरेलल वाला, अब इससे क्या होगा, चार्ज मूव करने लगेगा। अगर हम ये कर रहे हैं, फिर सुना मेरी बात को, अगर हम ये कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पर है, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे परपेंडिकुलर पैरेलल, परपेंडिकुलर वाले के कारण फोर्स बाहर की तरफ लगेगा और जो पैरेलल वाले कारण इस चार्ज के ऊपर फोर्स वो अलोंग द सरफेस मूव करने लगेगा, क्योंकि सरफेस की तरफ मूव कर सकता है वो, जब वो मूव करने क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन रहेगा, यानी कि चार्ज रुका हुआ रहेगा, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, चार्ज तो नहीं रुकेगा, तो फिर मूव करने लगेगा, तो फिर हम क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ाई पढ़ रहे ना, यहाँ पर तो ज्यादा ज्यादा चार्ज रुका हुआ है, अगर चार्ज रुका हुआ है तो इसलिए हम यही कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल कंपोनेंट नहीं पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर ही होंगे, सिर्फ इस कंडीशन के लिए ही कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को अचीव करेगा, रुका हुआ रहेगा चार्ज, ठीक है यहां तक बात। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि इस प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है ना, हर एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है बाहर, ऐसे तो इमेजिन करके बताओ, पहला बात कि इस छोटे छोटे जो चार्ज हैं, ये छोटा छोटा डीक्यू डीक्यू टाइप का जो चार्ज होगा उसमें फोर्स इधर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ छोटा छोटा फोर्स लगेगा डीएफ, इस पर भी किधर फोर्स लगेगा DF बाहर की तरफ है ना, ये EDF लगेगा ना जी, ऐसे ऐसे DF लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर DF भी बाहर, क्योंकि फोर्स उधर ही ना लगता है जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके तरफ फोर्स क्या होता है, जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर भी फोर्स होता है जी, तो ये इस तरह से करके फोर्स दिखेगा हमको हर जगह पे, छोटा छोटा DF हर जगह पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, हम ये कह देंगे ये हो गया हमारा DF, ये हो गया हमारा DF है ना, इस तरह से करके ये हो गया डीएफ, तो हर जगह से डीएफ बाहर की तरफ लग रहा है। अब हमको ये बात बताओ क्या कि नेट फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, अगर चारों तरफ से डीएफ लग रहा है ना, तो नेट फोर्स कुछ लगा क्या इसके ऊपर, कुछ नहीं, सारा का नेट वेक्टर, तो ये जो इधर फोर्स लग रहा है वही फोर्स इधर भी दिख रहा है हमको, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पता नहीं बनाई नहीं था, ये डीएफ हो जाएगा, ये तो इसको कैंसिल आउट करेगा, इस तरह से करके हर एक अपोजिट सेक्शन वाले का नेट डीएफ तो जीरो होने वाला है, यानी कि यहां पर हम साफ कहेंगे कि एफ नेट इस सिस्टम पर जीरो आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, सिमिलरली यहां पर भी एफ नेट जीरो आने वाला है।
इस कंडीशन के बाद क्या होगा कि इस सरफेस के ऊपर, लेकिन क्या होगा इस सरफेस के ऊपर, इमेजिन करो क्या हो रहा होगा, हर एक चार्ज अब चार्ज, क्योंकि फोर्स लग रहा है सब सरफेस के, सभी चार्ज के ऊपर, भले ही फोर्स नेट जीरो है मगर एक एक इंडिविजुअल फोर्स प्रेजेंट तो है ना, ये प्रेजेंट तो है ना, नहीं सुना, ये है तभी ना ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है ना बात, समझ में आया बात की, नेट फोर्स जीरो है, ये नहीं कि फोर्स जीरो है, हर एक चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स के कारण ये चार्ज बाहर की तरफ निकलना चाहता है, हर एक चार्ज बाहर की तरफ निकलना, यानी कि ये पूरा का पूरा स्फेयर जो है वो एक्सपेंड करना चाहेगा, ये पूरा का पूरा जो स्फेयर है वो एक्सपेंड करना चाहेगा, एक्सपेंड कर रहा है पूरा का पूरा एरिया इंक्रीज कर रहा है, यानी कि हम एक बात और कह सकते हैं कि ये पूरे के पूरे एरिया का ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इस कारण से हम ये कहेंगे कि पूरा का पूरा जो सरफेस है वो एक प्रेशर महसूस करेगा अपने ऊपर, जिसको कि कह देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया बात, फिर से देखो यहां पर, अगर हम ये कह दें कि ये छोटा सा चार्ज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ कह सकते हैं, इसका भी डीएफ ऐसे लगेगा, इस सब के कारण क्या होगा, सारा का सारा ये पूरे के पूरे सरफेस पर एक प्रेशर महसूस होगा, हमको वही प्रेशर निकालना है। एक और कंडीशन हम बात करते हैं, है ना, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, हाँ इस वाले को, या फिर चलो इसी को इरेज कर दे रहे हैं, कॉपी कर दो पहले इसको, अंदर में क्या ये मेटल कंडक्टर है, हर बार दिमाग में रखना है, सारा ये मेटल के ऊपर बात हो रही है, नॉन मेटल के ऊपर बात नहीं हो रहा है, या फिर इंसुलेटर के ऊपर बात नहीं हो रही है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर बात नहीं हो रहा है, बार बार हम कह रहे हैं चार्ज मेटल कंडक्टर है, इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो है, तभी प्रेशर महसूस किया जा रहा है। हम एक और कंडीशन सोचवाते हैं तुम लोग से, है ना, इसको इरेज कर देते हैं, अगर हम बोल दें यही एक स्फीयर है, अभी पॉजिटिव चार्ज था, निगेटिव चार्ज हो तो बताओ क्या होगा, अगर हम बोल दें कि इसके ऊपर इसके सरफेस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा ऐसे, तब क्या होगा, इसके सरफेस के ऊपर हम कह दें कि निगेटिव चार्ज हम प्लेस कर दिए, तब क्या होगा, तब पॉजिटिव चार्ज था सरफेस में ना, बाहर जाना चाहता था, अगर निगेटिव चार्ज का दें क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सरफेस कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना ऐसे ऐसे, नहीं करेगा, करेगा करेगा नहीं करेगा, चलो देखते हैं क्या हो रहा हो, दो तरीके समझ सकते हैं, पहला बात तो ये, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो होगा, दोनों सिमिलर टाइप का चार्ज है, ये बोलेगा तुम दूर हटो, तुम दूर हटो, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, इस चक्कर में पूरा का पूरा सरफेस अभी भी एक्सपेंड ही करेगा, नहीं समझा, निगेटिव चार्ज है सरफेस पर, वो सब एक दूसरे को रिपेल ही कर रहा है, जस्ट लाइक दैट यहां पॉजिटिव चार्ज था, जैसे यहां पॉजिटिव चार्ज में रिपल्जन पॉसिबल था, उसी तरह से यहां निगेटिव चार्ज में रिपल्जन होगा, दो सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, तो यहां पर भी रिपल्जन था, यहां पर भी रिपल्जन है, तो इसलिए यहां पर भी सरफेस एक्सपेंड करना चाहेगा, पहला बात तो समझ में आया, दूसरे तरीके समझते हैं जो बैल बुद्धि लोग को समझना है, ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इसमें तो कोई कष्ट नहीं किसी को, अच्छा यही तो बोल रहे थे सर, अंदर में आएगा तो कंप्रेस नहीं कर देगा सर, ऐसा हो जाएगा, अब बताओ कि फोर्स किधर लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स कैसे लगेगा, अंदर किधर, याद करो रे बंदरों, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे निकाले थे और बताए थे अगर हम निगेटिव चार्ज इस पर रख देंगे तो उस पर अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स वेक्टर का वैल्यू होता है क्यू,
तो फोर्स अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, यानी कि फोर्स जो है हमारा इधर की तरफ लगेगा, डीएफ बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है जिससे फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। तो सेम फोर्स हर समय हमको फोर्स से मतलब, तो फोर्स अभी भी बाहर की तरफ ही लगेगा, फोर्स बाहर की तरफ ही लगेगा। अभी भी कह देंगे हम कि एफ नेट हमारा जीरो है, और एफ नेट अगर जीरो है तो अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर महसूस किया जा रहा होगा। हमको अब बात करना, ये बात फील हो गया ना कि प्रेशर महसूस कर रहा होगा, और महसूस हम करवाते इसको बलून अगर होगा, अगर कह देंगे बलून है हमारे पास उस पर हम चार्ज रख देते, बलून क्या होगा एक्सपेंड करना स्टार्ट होगा। लेकिन ज्यादा अगर तुम्हें प्रोमिनेंट तरीके से देखना है कि ये चीज हो, तब ये कह सकते हैं कि हमारे पास सोप बबल तो देखे होगा ना, सोप बबल जो होता है, हमें कहते हैं सोप बबल के ऊपर हम चार्ज रख देते हैं थोड़ा सा, तो क्या होगा सोप बबल में ऐसे करके एक्सपेंशन दिखना लगा, दिखने लगा सोप बबल इंक्रीज करने लगेगा ऐसे, है ना। तो हम जानते हैं सोप बबल के अंदर में एक्सेस प्रेशर कितना था, 4T/RT होता है सर्फेस टेंशन। तो हम ये कह देंगे जो एक्सेस, अगर हम ये कह दें कि वो मेरा वो जो सोप बबल है, हम ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि सो बबल है, सो बबल हमारा जिस शेप में वैसा ही रह जाए, तो हम ये कह देंगे जो एक्सेस प्रेशर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर अगर हो जाए तो वो स्टेशनरी या स्टेबल कंडीशन में रह सकता है। सवाल कर लेंगे आगे जाकर के, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सब चीज है जिसको हम लोग को काउंटर करना है, कोई दिक्कत है पहले कॉपी कर लो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर फील कर लिए थे कैसे कैसे होता है, फील हो गया था ना सबको। अच्छा कभी कभी धप्पा मार जाता है ना स्क्रीन पर कुछ कुछ कंटेंट, हमको भी नहीं पता कि हम क्या आगे डालने वाले, कॉपी कर लिया करो वो सब चीज को भी, ठीक है। आप चलो यहाँ पर देख लो ध्यान से कि ये सरफेस है हमारे पास, एक इरेगुलर शेप का बॉडी है और इसके इसके ऊपर हमने चार्ज सबमिट किया है प्लस में सिग्मा। तो हम ये कह सकते कि इसके हर एक सेक्शन के ऊपर इलेक्ट्रिक प्रेशर महसूस किया जा रहा होगा। हम अगर एनालाइज करें इस छोटे से, हम यहां पर एक पॉइंट मानते हैं ए, ये पॉइंट हम मानते हैं बी, और एक सेक्शन काटते हैं यहां से, देखना ध्यान से एक सेक्शन काट रहे हैं, ये स्फीयर जो कि है ना पूरा 3D ऑब्जेक्ट है, भले ही इरेगुलर आलू टाइप, आलू समझ आलू वही आलू, हम इसका एक छोटा सा सेक्शन काट दे रहे हैं, ये भी बहुत छोटा सेक्शन काट रहे हैं, ठीक है। और इस सेक्शन का पिक्चर हम यहां पर दिखा रहे हैं, ठीक है। और बात समझना इस वाले को, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बहुत बुरी बात है। ए बी सेक्शन दिख रहा है, ठीक। और जो ए बी सेक्शन काट करके हम जो बचा हुआ है उस सेक्शन को हम यहां बना दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ है, मतलब हाँ ठीक है, ड्राइंग उतना बड़ा टेंशन कुछ दे सर नहीं बना, ठीक है। ऐसे ये ए है, ये बी है, ये बीच में खाली है जो वहां बना हुआ है, ठीक है। इस सब पे पॉजिटिव चार्ज अभी भी वही सही है, ठीक है बात। तो अगर हम बोल दें कि ये मेटल कंडक्टर है, और अगर हम कहे बोलेंगे मेटल कंडक्टर ही है, ये मेटल है ना, तो इसके कारण अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो है ये बात में तो तकलीफ अब तक तो नहीं है, लेकिन एक बात अब यहां से एनालाइज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो किस किस चार्ज के वजह से है। क्या चार्ज नहीं है? चार्ज तो है ना, सारा चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो। पहला बात तो ये समझ में आता है, पहला जो पॉइंट है, कुछ कुछ पॉइंट जब दिमाग में बैठाते जाओ, है ना। तो यह बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड द मेटल कंडक्टर, मेटल कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो। अंदर में हर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो अगर हम बोल दें कि ये जो पूरा का पूरा मेटल कंडक्टर है, अच्छा एक और बात हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड
जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है, पढ़े ना, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है, जो एक ये पहला पॉइंट था ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट टू क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज्ड मेटल कंडक्टर, है ना, चार्ज्ड मेटल कंडक्टर, ये सब हम लोग प्रूफ कर चुके हैं पहले ही, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये भी जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बोल देंगे जो चार्ज मेटल कंडक्टर है इसके जस्ट आउटसाइड, मतलब यहां पर इस जगह पे, ये एकदम जस्ट बाहर का पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट का नाम होते हैं वन, ठीक है, चलो इधर वाला हम हटा दे रहे हैं ना, ऐसे करके ये जस्ट बाहर का पॉइंट है और ये जस्ट अंदर का पॉइंट है दो। हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पोजिशन इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो है वो हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, यहां तक बात कोई तकलीफ नहीं आता, चलो ठीक। अब अगला पॉइंट लिखो यहां से, हम कह रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया किसने है, तो हम कह रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी सेक्शन ने बनाया है, और ए बी सेक्शन को हटा करके जितना भी चार्ज है उन सब ने बनाया है। हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक का नहीं ना, हम तो कह रहे जितने सारे चार्ज उन सब ने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डेवलप किया है ना, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, बात समझ में आ गई है। हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजिशन वन इज ड्यू टू दिस सेक्शन एंड ऑल्सो दिस होल सेक्शन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द मेटल कंडक्टर कंडक्टर इज इक्वल टू इज गिवन बाय ए बी सेक्शन एंड रिमेनिंग पोर्शन, इज दैट ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस पॉइंट को, इस वाले सेक्शन से ये पॉइंट को हम कह रहे हैं वन, है ना, और ये पॉइंट को कह रहे हैं दो, जो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो इस वाले सेक्शन ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम जानते हैं पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है, तो वन पोजिशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके निकल रहा होगा कि हम कह देते हैं इसको ए बी सेक्शन का, चलो ठीक है ई वन कर देते हैं, है ना, इस पॉइंट को हम कर देते हैं कुछ बोल देते हैं, क्या बोलते हैं एक्स बोल देते हैं, इसको वाई बोलते हैं जी, ज्यादा बेटर होगा ना एक्स वाई, ठीक है, इसको एक्स वाई बोल देते हैं, ठीक है, ई वन में दिक्कत हो, वाई और सॉरी एक्स और वाई, ठीक है, यहां पर एक्स कर दे रहे हैं यहां पर वाई कर दे रहे हैं। एक्स जो है इस मेटल कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड का पॉइंट है और जस्ट इनसाइड का पॉइंट है वाई, तो एक्स पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी ने भी बनाया है, रिमेनिंग पोर्शन ने भी बनाया है, और देखो ये पॉइंट है यहां पर भी एक्स अभी और ये हमारा वाई, ठीक है। अब एक्स पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसने भी बनाया होगा, ये भी पॉजिटिव पोर्शन है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरह भी बनेगा, नहीं आ सुन, इस वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन अभी नहीं है, तो ये वाला जो सेक्शन जस्ट होगा इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनाया होगा बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टू, ये हो गया वन सेक्शन, ये हो गया सेकंड सेक्शन, तो दोनों बाहर की तरफ बन रहे हैं क्या, फिर सुन लो मेरी बात, इस ये प्लस चार्ज है तो प्लस के कारण बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बनेगा, जिसको हम इवन कर देंगे, बात समझना, ये पॉजिटिव सीट है, सीट ये प्लस प्लेट है, इसके ऊपर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, उसके नीचे भी बाहर की तरफ, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, अगर हम ऐसे सीट बना देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, उसी तरह से अगर हम यहां बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बाहर की तरफ बनेगा और किधर बनेगा, समझ रहे, इवन और इवन दोनों, अरे ये सीट है जस्ट बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, पढ़े ना ये बात, बाय टू एप्सिलॉन जीरो होता है, पढ़े नहीं बात, बाय टू एप्सिलॉन जीरो होता है सिर्फ एक प्लेन सीट की वजह से, ठीक है, उसको भी अवॉइड करते हैं, तो इसके कारण जो भी बनेगा हम वो कहते हैं इवन बनेगा, तो उतना ही इवन इधर ही बनेगा, ठीक है, बात जो रिमेनिंग पोर्शन है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना बनाया, जो रिमेनिंग पोर्शन उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ कितना बनाया, इधर E2, और यहां पर भी तो ये भी तो लगभग लगभग बहुत क्लोज ही पॉइंट है, यहां पर भी तो E2 इधर ही बन रहा होगा, नहीं आ रहा समझ में, वाई पोजिशन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये जो पॉइंट है वाई तो सरफेस के आसपास में है,
अगर ये नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये नहीं है तब E2 है। E1 किसने बनाया है? AB ने। E2 किसने बनाया? रिमेनिंग पोर्शन ने, तब जबकि AB नहीं है। ठीक है बात। तो अगर हम लिख दें, ये छाप लिया क्या? छाप लो पहले जल्दी से, ठीक है छाप लो, दो पॉइंट लिख लो पहले, यही बात समझना है, सारा कहानी इतने में है, ये समझ गए बस, उसके बाद कुछ नहीं, सवाल तो बस ऐसे बन जाएगा जी, है ना। E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओनली AB सेक्शन इफ अदर पोर्शन इज नॉट प्रेजेंट। एकदम आसान है। E1 तब है जबकि AB ही है, ये सब नहीं है, ठीक है। E2 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, इफ AB सेक्शन इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट प्रेजेंट। अगर AB सेक्शन प्रेजेंट नहीं है तब E2 है, और जो कि हर समय देखो ये पूरे सेक्शन से बाहर की तरफ डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि सारा पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस के कारण बाहर ही डिपेंड निकलेगा, ठीक है बात। तो अगर हम बोल दें कि अगर दोनों प्रेजेंट है तब, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड मर्ज हो जाएगा ना। तो अगर हम एक्स पोजीशन में बात कर रहे हैं, अगर हम एक्स पोजीशन में बात कर रहे हैं, एक्स पोजीशन पे ई वन इधर की तरफ बन रहा है, एक्स पोजीशन पे ई टू भी इधर की तरफ बन रहा है ना। और अगर हम वाई पोजीशन में बात करें, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो अगर हम वाई पोजीशन में बात करें तो हम कह देंगे ई वन नीचे बन रहा है और ई टू बाहर की तरफ बन रहा है। देखो कमाल का बात यह है कि y पॉइंट अंदर में है कंडक्टर के, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनेगा, ठीक है। यहां तक बात इसको छाप लिए, छाप लो जल्दी से, इसको छाप लिए ना पक्का, ठीक। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो x पॉइंट पर है ना, देखो एट अगर हम x बोल दें, एट x, x पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो x पोजीशन कहाँ है? जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। एट x पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट x क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और x पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन बना रहा है? E1 और E2, यानी कि ये AB पोर्शन और रिमेनिंग पोर्शन दोनों मिल करके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो बनाया है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि E1 प्लस में E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एट वाई, वाई पोजीशन पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वाई पोजीशन अंदर में है और अंदर में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट वाई पोजीशन इक्वल टू जीरो, और वाई पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूशन, वाई पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन बना रहा है? ए बी सेक्शन ही बना रहा है और बाहर का भी सेक्शन, ये सारा भी सेक्शन बना रहा है, दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तब जीरो हुआ है। तो हम ये कह देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे है, E2 और E1, यानी कि E2 वेक्टर माइनस में E1 तब जीरो हो जाएगा। अरे ये तो कमाल हो गया, इसका मतलब क्या दिखा कि E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो E2 के बराबर आ रहा है, देखा E1 और E2 बराबर आ रहा है, यानी कि हम यह कह रहे हैं कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन इस छोटे से सेक्शन के वजह से भी जितना है उतना ही हर किसी सेक्शन के वजह से है, तभी जीरो हुआ है। जितना कंट्रीब्यूशन इस छोटे सेक्शन ने इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में क्रिएट किया है उतना ही इन सब ने किया है, किसी एक के कारण सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुआ। ये नहीं कि मतलब इतना ज्यादा चार्ज है तो उसके कारण ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वजह नहीं बन रहा है, ठीक है, दोनों के कारण बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, क्योंकि हम वेक्टर सम करते बहुत सारा उड़ जाता है इधर का पोर्शन अपने आप में, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोल देंगे E1 और E2 हमारा बराबर है। तो पुट कर दें क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2E1 is equal to sigma upon epsilon 0
E1 बराबर हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 जो कि हो गया E2 के बराबर, जो कि हम पहले बता रहे थे कि मेटल कंडक्टर के कारण कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन पहले से पढ़ते आए हैं। एक अलग सा व्यू देख लिए, इससे हमको क्या खास चीज मिला? खास चीज यह मिला कि बहुत खास चीज मिला, पहले छाप लो इसको जल्दी से, ठीक है जल्दी छाप लो, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। कैसे इरेज करें? ठीक है हम इधर वाला इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो अब हम कहना चाहते हैं चलो हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ये हो गया हमारा ए बी सेक्शन दिख रहा है जिसमें से काटती है। हमको निकालना है इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन दिस ए बी सेक्शन, बहुत छोटा सेक्शन है ए बी, इस पे इलेक्ट्रिक प्रेशर निकालना है। प्रेशर निकालने के लिए उसके ऊपर फोर्स निकालना पड़ेगा, और फोर्स निकालने के लिए हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज करना पड़ता है। फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ क्या कहता है कि भाई एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स बराबर होता है क्यू इंटू ई। सारा कहानी हम इसलिए भी किए थे क्योंकि हमको इसका हम चाहते हैं इसके ऊपर कितना फोर्स लगा है ये निकालो, सॉरी प्रेशर कितना निकालो, इसके लिए हमको इस पर फोर्स देखना पड़ेगा। और फोर्स कौन लगाएगा इसके ऊपर? रिमेनिंग चार्ज ही ना लगाएगा, इसका जो भी चार्ज होगा जिसको हम कह देंगे डी क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड सारा का सारा बाहर की तरफ ही आ रहा है इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका की बाहर अदर वाले का, इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा यहां पर अगर हम कह देंगे इसके ऊपर छोटा सा फोर्स लगा इसको कह देंगे डीएफ, तो डीएफ बराबर क्या लिखेंगे? इसका चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड वाले का, यानी इस रिमेनिंग पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड। बैठा दिमाग बात, फोर्स इक्वल टू इसका चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, क्योंकि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है तब इसके ऊपर फोर्स लगा है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है तब इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया है, ये खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से खुद पे फोर्स नहीं लगाता है। पहले बता चुके थे कि दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रख दोगे तो वो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, हम खुद से अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे हम ऑब्वियसली एक चार्ज के अंदर प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे वो करेगा, लेकिन वो दूसरे के लिए दूसरे के ऊपर फोर्स लगा देगा, अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता। ठीक है बात नहीं समझ में आया? बोलिए जल्दी बोल दिए, पीछे रिमाइंड कर तो आगे बढ़ो। हाँ तो चार्ज डी क्यू बराबर क्या होता है? चार्ज बराबर सिग्मा इंटू एरिया, पढ़े है ना, इसका सिग्मा इंटू डी ए इंटू ई टू, ई टू क्या हो जाएगा E1 बराबर E2, सॉरी हाँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ये हो गया हमारा DF। अरे DF अपॉन DA तो प्रेशर होता है जी, तो P इक्वल टू क्या हो गया? DF अपॉन DA इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यही हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। रट्टा मार लो, कितना जल्दी आ गया, नहीं इतनी सा बात बताने के लिए कितना सारा काम कर लिया। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सपीरियंसेस बाय दिस वन, और दिस प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया या दिस सेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा ये बात बढ़ा। दिस प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए, छापो। तो अभी हम लोगों ने देखा ये देखा कि क्या देखा कि प्रेशर जो आ रहा है वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम एक और बात सीखे हैं कि जो मेटल कंडक्टर है ना, इसके जस्ट आउटसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जस्ट आउटसाइड वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है ना, ये नेट जो होता है जस्ट आउटसाइड वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है, पढ़े ना पागल हो गए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है फिर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0,
इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द मेटल कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और अगर कोई फ्लैट प्लेट है, फ्लैट कंडक्टर है, तब उसके बाहर में सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत है, वो सारा अभी प्रूफ भी करके दिखा दिए, ठीक है ना। खैर पहले भी दो तीन बार दिखा चुके हैं, अभी हम एक और काम कर सकते हैं क्या, कि सिग्मा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, जो ई नेट आ रहा है इन टू एप्सिलॉन जीरो लिख सकते हैं क्या, तो प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो ई नेट इन टू एप्सिलॉन जीरो का होल स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, तो क्या हो गया, वन अपॉन टू है ना, वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इन टू ई नेट का होल स्क्वायर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है, याद कर लेना, ठीक है। अगला टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, इसी में इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर एक्सपीरियंसेस, रुक जाओ, कुत्ता लोग इन हद किए हुए, कर इलेक्ट्रिक प्रेशर एक्सपीरियंसेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। अगर हम ये कह दें, अगर हमारे पास एक चार्ज्ड सरफेस है, सपोज कर लेना, अभी ध्यान से इसको इमेज कर देना, हम कह रहे हैं कि ये हमारा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और हम एक चार्ज्ड सरफेस ले लिए हैं ऐसे करके, है ना, ये कोई चार्ज्ड सरफेस है, इसके ऊपर में चार्ज है, तो इस चार्ज सरफेस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक प्रेशर लग रहा है तब हम निकाल रहे हैं। अभी क्या था, इस पर इलेक्ट्रिक प्रेशर कौन लगा रहा था, एक कंडक्टर था, क्लोज कंडक्टर, तब बात करें, लेकिन अभी एक मेरे पास एक सरफेस है, चार्ज सीट है, हम इसके ऊपर देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना लग रहा है। सिंपल है ना, छोटा सेक्शन काट लो, इसके ऊपर फोर्स निकाल लो, अपॉन एरिया कर दो, निकल गया काम, है ना। तो इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं, हम मान लेते हैं छोटा सेक्शन हम ये काट लिए, ठीक है, तो इसका एरिया किधर की तरफ होगा, एरिया पर पेंडिकुलर हो जाएगा, जिसको हम डीए कह देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड साफ दिख रहा है इधर की तरफ आ रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक हो जाएगा पैरेलल टू द सरफेस। जो पैरेलल होगा वो थोड़ा ना प्रेशर लगेगा, हमको चाहिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट, आई बस समझे, एक छोटा सा एरिया हम काटे हैं, यहां पर एरिया हम काट लिए हैं, इस एरिया के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा बाय एरिया कर देंगे, मेरा प्रेशर आ जाएगा, तो फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, इसको हम कह देंगे डीएफ, डीएफ क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर सेक्शन, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए, ई परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, ई परपेंडिकुलर बना देते हैं, तो डी एफ निकल गया, तो डी एफ अपॉन डी ए बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ई परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारे पास प्रेशर, सिग्मा इंटू ई परपेंडिकुलर, समझ में आ गया बात। तो अभी एक सवाल कर लेते हैं, अब धीरे धीरे करके सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और जो अभी से बस कंसंट्रेट होकर के देखते जाना। तो पहला बात तो सीख चुके हैं, प्रेशर जो है सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो होता है ना। अभी क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक सोप बबल है, सोप बबल के ऊपर सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके थे, फिर से बात कर लेते हैं कि सोप बबल है हमारे पास, हमने उसके ऊपर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज रख दिया हुआ, चार्ज कर रही है, सोप बबल चाहेगा हमारा बाहर की तरफ आ जाए, एक्सपेंड कर जाएगा, तो हम चाहते हैं कि सोप बबल हमारा स्टेशनरी कंडीशन में रहे, यानी कि अपना अपना जो शेप है मेंटेन करके रहे, है ना, शेप क्या करके रखे, मेंटेन करके रखे, ठीक है। तो अगर हम क्यू चार्ज रखे हैं, ये किस रेडियस पर आकर के मेंटेन करेगा ना, फाइंड रेडियस आर सच दैट इट मेंटेन इट्स सेप। तो हम जानते हैं कि जो प्रेशर एक्सेस होता है वो कितना होता है, 4t अपॉन आर होता है, सरफेस स्टेशन वालों पढ़ चुके हैं, नहीं पता है तो रट लो, सो बबल के अंदर में एक्सेस प्रेशर होता है, एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे ज्यादा प्रेशर होता है 4t अपॉन आर, ठीक है, नहीं होगा है ना, अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो 4t अपॉन आर ज्यादा होता है, ठीक है। हम ये कह देंगे ये हमारा अगर सिग्मा स्क्वायर अपॉन इफ
सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू थ्री जीरो फोर टी अपॉन आर के बराबर हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज है पर यूनिट एरिया यानी कि फोर पाई आर स्क्वायर में फैला हुआ है चार्ज, इज इट ओके, चार्ज पूरे के पूरे फोर पाई आर स्क्वायर में फैला हुआ है और का स्क्वायर कर देना है, एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया है ना इंटू टू एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू फोर टी अपॉन आर हो जाएगा। अरे बस में तो चलो एक आर से एक आर खत्म हो गया तो आर पे पावर थ्री इधर जाएगा और यहां पर फोर टी नीचे आ जाएगा, तो साफ दिख रहा है कि हमको क्यू स्क्वायर अपॉन फोर फोर या सिक्सटीन कितना हो गया रे, वन ट्वेंटी एट ओके पाई स्क्वायर को ज्यादा हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू टी का पावर वन अपॉन थ्री इक्वल टू रेडियस आर, हाँ ऐसे कुछ है छाप लो ठीक है, इस रेडियस पर ये शेप हमारा मेंटेन हो जाएगा। बात समझ आया कि नहीं, सोप बबल है वो एक्सपेंड करना चाहेगा तो इसका जो सरफेस टेंशन है उसको चाहेगा पैक करके रखें, तो मतलब सरफेस टेंशन चाहता है इसका शेप को बना के रखें, ये चाह रहा है इस शेप को बिगाड़ के रखें, दोनों का भी तो मामला बराबर करके रखेगा। अगले कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, छाप लो जल्दी से अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, छाप लिया ओके। तो अभी क्या कर रही है, सो बबल नहीं है अभी, ये जो चार्ज मेटल कंडक्टर है और इसके ऊपर हमने फिर से चार्ज क्यू रखा हुआ है ठीक है, तो चार्ज क्यू रख दिए ठीक है, और यहां पर हम रख दिए माइनस में क्यू रख दिए ठीक है, तो फाइंड हमको करना है रिलेशन बिटवीन क्यू एंड क्यू सच दैट ये जो स्फेयर है स्फेयर ब्रेक नहीं कर जाए, फट नहीं जाए, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज क्यू है इसके कारण एक्सपेंशन हो रहा होगा ठीक है, तो ये जो निगेटिव चार्ज है इसको ये बहुत बहुत ज्यादा इसके अंदर में कोई मेटेरियल दमदार चीज नहीं है, ये फट भी सकता है, चार्ज रखोगे एक्सपेंशन प्रेशर आएगा फट जाएगा, उससे बचाने के लिए हमने एक निगेटिव चार्ज रखा है ताकि वो पॉजिटिव चार्ज को अंदर खींच करके रखे, तो कह रहे हैं क्यू का वैल्यू क्या हो कि जिससे ये हमारा मामला बचा हुआ रह जाए, तो हम यही कह देंगे कि जितना इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर और इसने जो भी प्रेशर बनाना है दोनों अगर बराबर हो जाए, ये चाह रहा है बाहर की तरफ निकलना, ये चाह रहा है प्रेशर अंदर की तरफ लगा दे ताकि वो खींच करके रखे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस बार सब चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा है ना, इधर की तरफ खींचेगा छोटा छोटा फोर्स लगा करके, तो हम ये कह देंगे कि फोर्स जो आउटसाइड लग रहा है वो जो फोर्स इनसाइड लग रहा है दोनों बराबर हो जाए, फोर्स आउटसाइड क्यों लगा रहा है ड्यू टू सरफेस चार्ज कह सकते हैं क्या, सरफेस चार्ज क्यू, और ये कौन लगा रहा है ड्यू टू निगेटिव चार्ज इनवर्ड अंदर की तरफ लग रहा होगा, तो जो बाहर की तरफ लग रहा हो तो उसका नाम तो है जानते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, और जो अंदर की तरफ जो अरे ये प्रेशर है प्रेशर इनसाइड, अंदर की तरफ जो प्रेशर लगेगा उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या कर देंगे प्रेशर प्रेशर सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, अभी याद करो इस वाले पूरे के पूरे स्फीयर पर हम चाहते हैं अंदर की तरफ फोर्स लगे, तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है और इसके सिग्मा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम ये कह देंगे कि सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, सिग्मा किसका सरफेस का, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट सरफेस हो जाएगा, इस निगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी बाहर की तरफ दिखा रहा है अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा, उसके कारण इस सरफेस के ऊपर अंदर की तरफ प्रेशर लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, इसमें प्रेशर अंदर की तरफ महसूस हो रहा होगा और यहां बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है, तो वो दोनों बराबर अगर हो जाएगा तब बात ना बचेगा, तो यही हम लिख देंगे सिग्मा सिग्मा कट गया क्या, तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो बच गया, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया पूरे के पूरे फोर पाई आर स्क्वायर स्फीयर है बाई टू एप्सिलॉन जीरो
इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है क्या, के की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई आर स्क्वायर से खत्म हो गया, एप्सिलॉन 0 सब एप्सिलॉन 0 खत्म हो गया, तो क्यू का वैल्यू हो गया कैपिटल क्यू अपॉन 2। दिस इज योर आंसर, छाप लो। अगली तरफ पढ़ते हैं, तो अभी हमारे पास जो टॉपिक है इसमें हमको ये जानना है कि इस स्फेरिकल जो सेल है इसके आधे आधे सेक्शन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, हम वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जबकि हमको प्रेशर पता है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस आधे सेक्शन के ऊपर बात करना है हमको, सिर्फ आधा सेक्शन, आधा हेमिस्फीयर इधर हो गया, आधा हेमिस्फीयर इधर हो गया। हमको हर जगह पे पता है, बात समझना मेरी बात को फिर से, हम क्या बोलना चाहते हैं, जो स्फीयर है इस पर प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है, प्रेशर परपेंडिकुलर बाहर हो रहा है ना, ये बात तो तय हो गया ना दिमाग में कि प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड लग रहा है, यानी कि ये जो सरफेस है बाहर की तरफ निकलना चाह रहा है, ठीक है। तो इसके कारण हम अगर बात कर लें कि किसी छोटे से चार्ज को काटते हैं, ठीक है, इतना सा चार्ज को अगर हम काट लें, टीए सेक्शन को काट लें, ठीक है, इस छोटे सेक्शन को, जो कि इसका लोकेशन हम मान लेते हैं कि कोई आर रेडियस ही है, इसका एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो अगर हम देखें इसके ऊपर फोर्स कैसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा, इसका वैल्यू जाएगा डीएफ, है ना। तो इस डीएफ का दो कंपोनेंट बन जाएगा, एक ऐसे और एक ऐसे है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये थीटा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी हमारा थीटा है, तो ये जो कंपोनेंट आ रहा है ये हो जाएगा डीएफ का कॉस थीटा और ये हो जाएगा डीएफ का साइन थीटा हो जाएगा। जस्ट इधर वाले सेक्शन के ऊपर बात करें, अगर अब तो फील आता होगा ये सब बात कि भाई डीएफ इधर की तरफ आ जाएगा, उसके एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर बनेंगे, जो इधर वाला कंपोनेंट होगा वो इधर वाले कंपोनेंट काट देगा, तो सिर्फ इधर वाला कंपोनेंट बचेगा हमारे पास, यानी डीएफ का साइन थीटा बचेगा, यानी कि जो भी फोर्स लगने वाला है वो फोर्स हमारा डीएफ साइन थीटा सिर्फ इधर की तरफ लगने वाला है, और सारे फोर्स को अगर हम जोड़ दें डीएफ साइन थीटा को डीएफ साइन थीटा पकड़ के जोड़ दें, नेट फोर्स आ जाएगा। आज बस हमने तो पहला बात तो हम ये कह देंगे डीएफ क्या है, डीएफ क्या है, डीएफ क्या जाएगा चार्ज इंटू एरिया, सॉरी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, या फिर हम कह सकते ये थोड़ा दोस्ती हटा देते हैं चार्ज से, हमको प्रेशर पता है तो प्रेशर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो प्रेशर क्या P इंटू डी ए हो जाएगा, P इंटू टी, अब प्रेशर पता है हर जगह पे, वो था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू डी ए हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास डी ए, ये हो जाएगा हमारा डी एफ। अब अगर हमको एफ नेट निकालना है इस पूरे के पूरे हेमिस्फीयर के ऊपर, इस हेमिस्फीयर के ऊपर एफ नेट निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ डीएफ साइन थीटा, जोड़ना पड़ेगा, यानी कि डीएफ साइन थीटा को ही जोड़ेंगे, क्योंकि हम है ना इधर की तरफ बनेगा डीएफ साइन थीटा, इधर बन जाएगा हमारा डीएफ कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो उतना ही इधर भी थीटा के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो उसी तरह से हमारे पास बनेगा डीएफ साइन थीटा को ही, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डीएफ की जगह पे क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे पूरा का पूरा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू डी ए इंटू साइन थीटा। अगर हम सॉल्व करें यहां से हमारे पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 तो पूरे सरफेस पर हर जगह पे सेम है, यानी कि प्रेशर हर जगह सेम है, ये तो बाहर आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बाहर आ गया, अब अंदर में बच गया डी ए साइन थीटा। इसको समझ लो जिंदगी झिंगाला लग जाएगा। चलो देखते हैं क्या डी ए साइन थीटा का एडिशन क्या है, मतलब ये ना डी ए साइन थीटा का जोड़, तो डी ए क्या है हमारा, देखो ये सरफेस का परपेंडिकुलर एरिया यही ना डी ए, वही है ना, अगर हम बोले यही सरफेस है ना, छोटा सा हम डी ए से काटे हैं ना, तो इसका अगर हम ऐसे एक एरिया हम परपेंडिकुलर वाला ले लें और एक इधर वाला ले लें, दोनों काम बन सकता है क्या, देखो ये एरिया का एक प्रोजेक्शन इधर काटे हैं, समझ आ रहे बात ना, तो एक हमारा इधर बनेगा डीए का साइन थीटा बनेगा, तो ये थीटा है, और एक इधर बनेगा डीए का कॉस थीटा, बैठा दिमाग बात नहीं बैठा,
फिर से देखो, हम इस एरिया को, इस एरिया को हम ऐसे बनाए, डीए वाला एक एरिया जो हम ऐसे बनाए हैं, इसका जो इधर वाला कंपोनेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, डीए साइन थीटा बन रहा है, और जो नीचे वाला कंपोनेंट बन रहा है ऐसे वाला, उसका बन रहा है इधर की तरफ डीए का कॉस थीटा। हमको किसको जोड़ने बोला गया, डीए साइन थीटा को, यानी हम इस वाले से तो हमको कोई दोस्ती है ही नहीं है, इस वाले से तो बात ही नहीं करना हमको, हमको तो सिर्फ इस पे बात करना है, डीए साइन थीटा बात करना है, इसको जोड़ना है। तो डीए साइन थीटा है किधर, देखो तो इस साइड में है ना, तो अगर हम बोल दें कि डीए साइन थीटा ये बेसिकली इसका प्रोजेक्शन एरिया है, ये है हमारा डीए साइन थीटा, कह सकते क्या, यानी कि इस पूरे एरिया का जो यहां पर एक छोटा सा सेक्शन बन रहा है प्रोजेक्शन, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहां से टॉर्च बार रहे हैं तो हमको जो सेक्शन दिख रहा है उसी को ऐड करना है, तो अगर हम इधर से टॉर्च बार रहे हैं तो हमको पूरा का पूरा ये एरिया दिखेगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर दिख जाएगा, यानी कि ये बेसिकली क्या है, डीए साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या, प्रोजेक्शन ऑफ दिस स्फीयर। मजा आया कि नहीं आया, है ना, तो डीए साइन थीटा का एडिशन क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ डीए साइन थीटा क्या हो गया, प्रोजेक्शन, या कह सकते प्रोजेक्टेड एरिया हो गया, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। तो अगर हम इसको हटा दें, छाप लेना रिवाइड करके, तो हम ये क्या कर सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो इनटू ए प्रोजेक्टेड, है ना। तो बेसिकली क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो इनटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा फोर्स, ठीक है, ये हो गया हमारा इसके ऊपर लगने वाला फोर्स। समझ में आ गया बात, छाप लो। तो दो सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू। पहले वाले सवाल में कह रहा है कि हमारे पास दो सेल है, दो आधा आधा कटा कटा सेल है, बीच में हमने फेविकॉल लगा के रखा हुआ है, और दोनों पे हमने सिग्मा चार्ज दिया हुआ है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा, यानी कि ऐसे देखो, ऐसे ये बाहर निकलना चाहता है, फेविकॉल का जोड़ा है, जन्मों जन्म का साथ नहीं तोड़ने देंगे, समझ में आया बात, यानी कि एक हेमिस्फीयर दूसरे हेमिस्फीयर के ऊपर बाहर निकलना चाहता है, फेविकॉल जंप करके रखा है, तो हम ये कह देंगे कि फेविकॉल कितना फोर्स लगा रहा है, या फिर हम ये कहना चाहते हैं कि एक हेमिस्फीयर ने दूसरे हेमिस्फीयर के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया प्रोजेक्टेड, बैठ गया दिमाग में बात, फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया प्रोजेक्टेड, और प्रेशर कितना होता है, अगर सिग्मा है तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, और इसका प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो जाएगा, इसका अगर हम मान लें कि यहां पर हम एक सीट बना लें तो इसके ऊपर कैसा सरफेस बनेगा, एरिया पाई आर स्क्वायर का एरिया बनेगा, है ना, क्योंकि इसका रेडियस आर है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया खत्म के सवाल आंसर, यानी कि बेसिकली क्या निकल गया, फोर्स अप्लाइड by each hemisphere, ठीक है, on one another is equal to sigma square upon 2 epsilon 0 into pi r square। अगर charge दे दिया तो charge upon area 4 pi r square, वो भी हम use कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, छाप लो। अगला सेक्शन में कह रहा है कि अगर हमने इधर सिग्मा दिया, इधर की तरफ सिग्मा डैश दिया हुआ है, यानी कि आधा सेक्शन में सिग्मा दिया, दूसरे में सिग्मा डैश दे दिया है, तब बोल रहा है कि बताओ कि पहले सेक्शन ने दूसरे ऊपर में कितना फोर्स लगाना है, ठीक है, छाप लिया, इधर छाप लो, इसको हम अरेंज कर दे रहे हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर थोड़ा ध्यान से देखना, अभी हम इसका छोटा सेक्शन काट लेते हैं, ठीक है, इतना सा, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, बाहर की तरफ है ना, परपेंडिकुलर सरफेस के बाहर की तरफ ही फोर्स लगता है, इसका वैल्यू हो जाएगा डीएफ, तो डीएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी अभी सीखे थे, डीएफ बराबर प्रेशर इंटू एरिया, है ना, प्रेशर इंटू छोटा सा एरिया, प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इस वाले सेक्शन ने इसके ऊपर प्रेशर कितना लगाना है,
ठीक है, वो भी हम बात कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज हम इसको नहीं यूज करते हैं, मान लेते हैं कि सर फोर्स कितना लग रहा है, हम वो भी दिख रहा है ऐसे करके उल्टा ही लिखते हैं, हम बोलते हैं चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर वाला, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर वाला। तो चार्ज कितना हो जाएगा इसका, इस वाले सेक्शन का चार्ज कितना हो जाएगा, हम बोले सर सिग्मा डैश इंटू एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये लगाएगा यहां पर, ये कैसे निकलेगा याद करो, अभी अभी सीखे थे कि हर एक सेक्शन सिग्मा अपॉन, हर एक सेक्शन सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लगाता है ना। अभी अभी सीखे थे शुरुआत में, सबसे पहला बात क्या सीखे हैं कि मान लेते हैं किसी सेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, छोटे से सेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जस्ट आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये वन पोजिशन पे, वो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सेक्शन, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अभी ना सीखे हैं, अगर ये हम कह दें वन है और ये टू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन या इस वाले के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा रहा होगा, ये वाला सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ड्यू टू दिस सेक्शन। ठीक है, तो यह लिख सकते इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा पोर्शन, सिग्मा पोर्शन ने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस किया, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, तो यहां से क्या निकल करके आ रहा है, सिग्मा इंटू सिग्मा डैश अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो इंटू डी ए, हो गया डी एफ, तो डी एफ अपॉन डी ए जो हो गया बेसिकली वो प्रेशर हो गया, हम उसको लिख सकते हैं सिग्मा इंटू सिग्मा डैश अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। ये भी अब याद रख लो फॉर्मूला, अभी हम लोग पढ़े थे सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो था तब की जब दोनों साइड सिग्मा सिग्मा था, लेकिन अगर सिग्मा और सिग्मा डैश है तो सिग्मा सिग्मा डैश हो गया, अगर यहां बोलते कैपिटल क्यू यहां पर स्मॉल क्यू, इसका चार्ज पर यूनिट एरिया, इसका चार्ज पर यूनिट एरिया, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, जो कि हमारा कांस्टेंट है, जो कि हमारा क्या है कांस्टेंट है। तो हमको निकालना है इसके ऊपर में फोर्स, तो फोर्स बेसिकली क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया प्रोजेक्टेड, ये ना पढ़े थे एरिया प्रोजेक्टेड, तो प्रेशर कितना है यही है, तो सिग्मा इंटू सिग्मा डैश अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो इंटू एरिया प्रोजेक्टेड क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्स, छाप लो। अभी हम लोगों ने देखा था कि आधे सेक्शन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा था, अभी क्या कर रहा है कि इतना सा सेक्शन, सपोज करो एक गेंद है उसका हमने इतना सा मतलब इतना सा सेक्शन यहां से काट लिया ऐसे करके, यहां पर फेविकॉल लगा दिए हैं, अब हमको जानना है कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस वन या फिर इसने इसके ऊपर, क्योंकि फोर्स तो ये लगा इस पर या ये इस पर लगा, चाकू तरबुजा पे गिरे या तरबुजा चाकू पे कटेगा तो चाकू ही है ना बराबर फोर्स लगाता है दूसरा, खैर तो हमको इसके ऊपर फोर्स लगाना है, फोर्स का सीधा कहानी है, फोर्स बराबर क्या होता है प्रेशर इंटू एरिया प्रोजेक्टेड, प्रेशर कितना होगा क्योंकि पूरे में सेम चार्ज है अभी, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, अगर अलग अलग होता तो सिग्मा सिग्मा डैश लिख रहे होते, अब तो दोस्ती हो चुका है। एरिया प्रोजेक्टेड तो हमको इस वाले सेक्शन के ऊपर बात कर रहा है, अगर हम इस पर प्रोजेक्टेड एरिया बनाएंगे तो इसका एरिया लेना पड़ेगा ये वाला, है ना, ये वाला सेक्शन लेना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कुछ एच है मान लेते हैं, है ना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई एच स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इसका प्रोजेक्टेड एरिया, तो पाई एच स्क्वायर हो जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो इंटू पाई एच बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर का रूट हो जाएगा, है ना एच का वैल्यू, तो क्या हो गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर हो गया फोर्स। सिग्मा इक्वल टू क्या ले सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू चार्ज पर यूनिट एरिया अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, पाई से पाई खत्म हो गया, जो जो आ रहा है आंसर देख लो, क्यू स्क्वायर दिख रहा है हमको,
फोर जा 16, 2 जा 32 पाई, ओके आर पे है ना पाई एप्सिलॉन 0 आर पे पावर 4 और यहां पर हो गया आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, दिस इज योर फोर्स। एकदम आसान हो गया क्या? ठीक है छाप लो। अब अच्छे क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। तो चलो ये सवाल थोड़ा बहुत अलग है, कोशिश करना समझने का, नहीं समझ में आया तो कोई बहुत बड़ा बवंडर नहीं है, वीडियो प्रीव्यू से शुरू से देखना है, अच्छे से समझने की कोशिश करना, एकदम बनाने का टेक्निक अलग है और एनालाइज करना कि एक नया चीज कैसे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है समझने का तरीका कोशिश करना है। नीट वालों के लिए दही नहीं, जे मेन वालों के लिए नया चीज समझने का भी तरीका होगा कैसे हम लोग खेल सकते हैं सेप के अनुसार, ठीक है तो बस खेलना स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑन दिस स्फीयर ड्यू टू दिस स्फीयर, या फिर इसके ऊपर इसने कितना फोर्स लगाया, ठीक है तो पहला तो हम बोलते हैं इसके ऊपर सिग्मा चार्ज, इसके ऊपर सिग्मा डैश चार्ज है, ठीक है देखो क्या हो गया। तो ओके तो दो तीन बात लिख लेते हैं पहले, ठीक है कि सिग्मा क्या है, यहां पर सिग्मा हो जाएगा इसका चार्ज बाय इसका एरिया, इसका क्या एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और सिग्मा डैश क्या हो जाएगा इसका चार्ज अपॉन इसका 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्योंकि स्मॉल आर है इसके ऊपर, ठीक है यहां तक। ये है हमारा सवाल, क्या कह रहा है फोर्स ऑन हेमिस्फेयर है ना, ऐसे बिग हेमिस्फेयर ड्यू टू स्मॉलर वन, इस पर इसके कारण कितना फोर्स लग रहा है ये निकाल के दिखाओ, ठीक है ये निकालना है हमको। हम एक काम करते हैं बनाने का, दो स्टेप लेंगे, पहला स्टेप क्या करते हैं और एक एक चीज को एनालाइज करना, स्टेप नंबर वन पे बात कर रहे हैं। स्टेप नंबर वन में हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे हेमिस्फीयर को हम बराबर कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं, ठीक है विद सेम सिग्मा, तो हम क्या किए पूरा हेमिस्फीयर हम मिला दिए ऐसे करके, ठीक है ऐसे, और अंदर वाले को जैसा का तैसा रहने दिया, ठीक है। तो अगर हम ये कह दें ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है तो इसके अंदर में ये है, ठीक है और हम इसको कर देते हैं एक्स, इसको कर दे रहे हैं वाई, इसको कर दे रहे हैं जेड हेमिस्फीयर, एक्स हेमिस्फीयर वाई हेमिस्फीयर जेड हेमिस्फीयर। तो हम एक काम करते हैं कि ये जो पूरा बड़ा हेमिस्फेयर है उसके अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो फोर्स जीरो होगा, पहला कॉन्सेप्ट दिमाग बैठा। हम ये पूरा बना दिए, इससे हम क्या कमाल का चीज गेन किए कि भाई हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम पूरा कंप्लीट कर देंगे तो अंदर में कोई चार्ज नहीं रहेगा, और अंदर में कोई जब चार्ज नहीं रहेगा तो नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। तो पहला बात यह समझ में आ गया एफ नेट ऑन y इक्वल टू जीरो। अब y पर फोर्स लगा कौन कौन रहा है तभी ना जीरो होगा, तो y पर फोर्स कौन लगा रहा है, ये भी लगा रहा है और ये भी लगा रहा है, तो हम बोलेंगे कि फोर्स ऑन y। तो चलो इस वाले क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर तो प्लस का उधर की तरफ फोर्स लगेगा इस पर है ना, फोर्स ऑन y ड्यू टू x हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव कारण इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यानी फोर्स पर इधर लगेगा इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑन y ड्यू टू z इधर की तरफ लग जाएगा। देखो ये प्लस इस हेमिस्फीयर में इसके ऊपर फोर्स इधर लगाना क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, ठीक है यहां तक बात। तो हम क्या बोलेंगे कि फोर्स ऑन y ड्यू टू z वेक्टर इन दिस डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में और एक प्लस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन y ड्यू टू x इक्वल टू जीरो, ठीक है बात। इससे हम क्या देख रहे हैं कि फोर्स वेक्टर ऑन y x इक्वल टू फोर्स वेक्टर ऑन y z, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो फोर्स ऑन y x इक्वल टू फोर्स ऑन y z, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि फोर्स ऑन, देखो ध्यान से क्या हम बोलना चाह रहे हैं इस पूरे स्टेटमेंट से, क्या देखें हम एक एक वर्ड को देखना ध्यान से, हम ये कह रहे हैं कि फोर्स ऑन y ड्यू टू x, यानी कि y पर जितना इसने फोर्स लगाया है उतना ही फोर्स
जेड वाले ने लगाया है। ठीक है, पहला कंक्लूजन हम क्या निकाले कि इस पर इसने जितना फोर्स लगाया है उतना ही फोर्स इसने इसके ऊपर लगाया। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं इसने भी उतना ही फोर्स लगाया जितना इसने इसके ऊपर लगाया। ठीक है, लेकिन कितना लगाया है हम ये नहीं पता कर पा रहे हैं। स्टेप नंबर टू पे बात करते हैं। स्टेप नंबर टू, ठीक है, हम यहां नहीं यहीं लिख देते हैं स्टेप नंबर टू। हम इस बार अंदर वाले हेमिस्फीयर को बड़ा मिला देंगे और इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, तो अंदर वाले हेमिस्फीयर को ऐसे कर दिए और इसको एज इट इज छोड़ दिया, यानी कि एक्स यहीं रह गया, वाई यहां बन गया, जेड जो था वो था, हम इसको कह दे रहे हैं ए। क्या कह दे रहे हैं? ए। ठीक है, ए कह दे रहे हैं, या कुछ कह देते इसको सी बोल दे रहे हैं ना, या फिर एम बोल दे रहे हैं। ठीक है, एम एम हेमिस्फीयर, क्योंकि हम बाद में क्यू ले लेंगे इसके ऊपर चार्ज, क्योंकि दिया भी है क्यू चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, इस पर भी हमने मान लिया क्यू चार्ज है। अब हमको निकालना है इसके कारण बात। देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा बात यहीं पर, सारा क्रक्स यहीं पर है, बात समझना मेरी बात को, कि इस पूरे हेमिस्फीयर जो स्फीयर है इसने हमको जानना है इसने इसके ऊपर कितना फोर्स लगा है, हम ये निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इस पूरे स्फीयर ने, पूरा ही स्फीयर ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स ऑन एक्स जो होगा है ना, ड्यू टू कंप्लीट स्मॉल स्फीयर, स्मॉल स्फीयर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये लगा रहा होगा, इनटू इसका नेट चार्ज जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा। तो जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, फोर्स बराबर जो एक काम करते छोटा छोटा फोर्स निकालते हैं, छोटा सा फोर्स निकालते हैं, छोटा सा चार्ज काट करके, क्योंकि पूरे पर तो नहीं निकाल सकते सर, बाद में इंटीग्रेट वगैरह कर ही सकते हैं, अभी हम छोटा सा चार्ज काट लेते हैं इसका, इसका काट लेते हैं, सिग्मा ले लेते हैं, इंटू डी ए चार्ज हो गया, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया ई। ठीक है, ई परपेंडिकुलर, तो डी ए बराबर क्या जाएगा, डी क्यू इंटू ई परपेंडिकुलर, और डी क्यू क्या जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए इंटू ई परपेंडिकुलर। अब इस पर ई कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, पूरा चार्ज कितना है, 2q है, देख लो 2q अपॉन यहां से तय का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, तो कैपिटल R का होल स्क्वायर। ये बात समझ आई नहीं है, देखो ये हो गया q इंटू ई, q इंटू ई, q हो गया इस छोटे सेक्शन का चार्ज, क्योंकि हम पूरे पर नहीं निकाल सकते, कुल मिलाकर एक साथ नहीं लग सकता, फिर हम जो बाद में जोड़ ही सकते हैं, तो ये हो गया q और इसका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर हम यहां से देखें तो हमको दिख रहा है डी एफ अपॉन डी ए का वैल्यू, डी एफ अपॉन डी ए का वैल्यू ये आ रहा है सिग्मा इंटू टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास प्रेशर, ये हो गया हमारा प्रेशर। लेकिन हाँ, ये प्रेशर किसने बनाया, पूरे स्फीयर ने बनाया, पूरे स्फीयर ने बनाया। तो अगर हम इस पर फोर्स निकालना चाहते इस पूरे स्फीयर के वजह से, तो वो कितना हो जाएगा, फोर्स है ना, फोर्स ऑन आउटर स्फीयर ड्यू टू आउटर स्फीयर नहीं करते थे, आउटर हेमिस्फीयर, फोर्स ऑन आउटर हेमिस्फीयर ड्यू टू स्मॉलर वन इज कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया प्रोजेक्टेड। तो प्रेशर तो दिख रहा ही है, सिग्मा इनटू टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर, और हम इस पर बात कर रहे हैं, इसलिए हमको इसका प्रोजेक्टेड एरिया लेना, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या बचा, टू, टू से ये भी खत्म हो गया, तो क्या हो गया, सिग्मा क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, देखा, सिग्मा क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो,
ये निकल करके आया इस हेमिस्फेयर पर इस दोनों के कारण। अभी हमको मेरा सवाल था इस पर सिर्फ इसे कारण निकालना था, ठीक है, अभी सिर्फ हम अभी इस पूरे कारण हम इस पर निकाल पाए। अब देखना ध्यान से, पहले यहां तक कॉपी कर लो, अभी हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, पहले कॉपी कर। तो इस वाले के सेक्शन के ऊपर बात कर रहे थे अभी, है ना, तो यहां तक हम लोग बात कर चुके हैं, प्रेशर इनटू एरिया प्रोजेक्टेड आ चुका है इतना। ये क्या आया है कि फोर्स ऑन आउटर स्फीयर, ये जो आउटर हेमिस्फीयर है उस पर इस दोनों ने कितना फोर्स लगाया है। लेकिन हमको इस दोनों के कारण नहीं पूछ रहा था, सिर्फ इसी कारण पूछ रहा था। चलो हम एक एक करके बात करते हैं। हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखो ध्यान से, ये वाला इस दोनों का कॉम्बिनेशन, क्या यही दोनों कॉम्बिनेशन है क्या? वाई जेड का जो कॉम्बिनेशन है, सिर्फ इसको देखना ध्यान से, फिर से देखो ध्यान से, हम जो बोलना चाहते हैं ये यही बस सारा खेल है कि हम ये दोनों स्टेप किए क्यों। ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है सबको, दिख रहा है क्या? और ये कॉम्बिनेशन दिखा, ये कॉम्बिनेशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन सेम है। तो हम ये क्या बोलेंगे कि फोर्स ऑन एक्स इज इक्वल, देखो क्या बोल रहा है, फोर्स ऑन y ड्यू टू z, फोर्स ऑन y ड्यू टू z, उसी तरह से कह सकते हैं फोर्स ऑन x ड्यू टू m जो है वो फोर्स, सॉरी फोर्स लिख रहे हैं ना, फोर्स ऑन x ड्यू टू m जो आ रहा है वही फोर्स ऑन y ड्यू टू z आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन सेम है, यानी कि फोर्स ऑन x ड्यू टू m जो आ रहा है वही फोर्स ऑन y ड्यू टू z भी आ रहा है। अरे नहीं यार, समझ में आया बात? और ये क्या कह रहा है कि फोर्स ऑन y ड्यू टू z जो आ रहा है वो तो फोर्स ऑन y ड्यू टू x है, फोर्स ऑन y ड्यू टू x है। और फोर्स ऑन y ड्यू टू x क्या है? देखो तो ये कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं आ रहा समझ में? देखो अब इस दोनों कॉम्बिनेशन को देखो ध्यान से, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वही ये वाला कॉम्बिनेशन है। यानी हम ये कह रहे हैं कि इसने इसके ऊपर जितना फोर्स लगाया वाई ने, उतना ही फोर्स इसने इसके ऊपर लगाया, उतना ही फोर्स इसने इसके ऊपर लगाया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हम ये क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, हम कह रहे हैं इसने इसके ऊपर जितना फोर्स लगाया उतना ही इसने इसके ऊपर लगाया, क्योंकि सिमेट्रिसिटी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा बात क्या देख रहे हैं कि भाई इसने इसके ऊपर जितना फोर्स लगाया, जो कॉम्बिनेशन यहां दिख रहा है वही कॉम्बिनेशन तो यहां भी दिख रहा है, वाई और एक्स वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। हम ये क्या बोल रहे हैं कि y ने x पे जितना ही फोर्स लगाया है, y ने x पे जितना ही फोर्स लगाया है वो सेम है m ने जितना x पे फोर्स लगाया है, m ने जितना x पे फोर्स लगाया है। इसका मतलब यही है कि इस दोनों ने जो फोर्स, इसने जितना फोर्स पे लगाया उतना ही फोर्स, इसने इस पर फोर्स लगाया, है ना हुआ? इसका मतलब है, इसका मतलब यही हो गया कि फोर्स ऑन m, फोर्स ऑन x ड्यू टू m जो है वो फोर्स ऑन x ड्यू टू y है। देखो तो वही दिख रहा है क्या, ये वाला ऑब्जर्वेशन, फोर्स ऑन x ड्यू टू m जो आ रहा है वही फोर्स ऑन x ड्यू टू y भी आ रहा है, क्योंकि जितना y x पे लगाया उतना ही x ने y पे वो लगाया, वो न्यूटन का थर्ड लॉ है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, फोर्स ऑन x ड्यू टू m, फोर्स ऑन x ड्यू टू y दोनों सेम है और हमको दोनों के कारण पता है, सिर्फ एक के कारण कितना हो जाएगा, आधा नहीं हो जाएगा, अरे हमको दोनों के कारण इस पर पता है। तो सिर्फ अगर फोर्स ऑन एक्स ड्यू टू वाई निकालना है, दैट इज फोर्स ऑन एक्स ड्यू टू वाई जो हो जाएगा वो एफ जो निकाले हैं बाय टू हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा क्यू अपॉन फोर एप्सिलॉन जीरो, और सिग्मा क्या था, इसका चार्ज था, वो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टू पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन फोर एप्सिलॉन जीरो। तो क्या हो गया, क्यू क्यू अपॉन एट पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। कुछ ऑब्जर्व करना, अगर दोनों सेम रेडियस का था, अगर सिग्मा सिग्मा डैश के जगह पे हम क्यू क्यू लेते तब भी हमारा सेम आंसर आता, यानी कि हमारा स्मॉल आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा आंसर, ठीक है। तो ये था आज का पूरा एनालिसिस, इस वाले सवाल को एनालाइज करना, ये डिफरेंट था, और
अगला जो वीडियो आने वाला है वो जो टेस्ट आया है उसका सारा सोल्यूशन करवा देंगे और कोशिश करेंगे कुछ अच्छे अच्छे और सवाल को हम इंट्रोड्यूस करें उसमें। तुम लोग भाई मेहनत करो, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, सिर्फ क्लास कर लेने से, नोट बना लेने से काम नहीं चलता है। ये तो हम कोशिश किए जितना सारा क्वेश्चंस करवाने का करवा दिए, लेकिन तुम लोग को इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस को खुद से एनालाइज करना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाओ, टेस्ट में देखें छोटे छोटे क्वेश्चन गलती कर रहे हो तुम लोग, तुम सबको कम से कम अपने हाथ में लो, ग्रिप में बनाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट होगा। बाय, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो है बेल आइकन घंटी उंटी सब बजा दो।